बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आई एम हाफिज़ मोहम्मद खालिद फ्रॉम दी डॉक्टर्स पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल रहीम यार खान। टुडे इज 6th May 2020। टुडेज टॉपिक इज एप्लीकेशंस। वी विल डिस्कस अबाउट थ्री एप्लीकेशंस टुडे। First application is application to the principal for sick leave। बीमारी के लिए हमने principal के नाम एक छुट्टी की दरख्वास्त लिखनी है। तो इसमें कुछ बातें हैं बेटे जो आपने याद रखनी है। इसका जो starting है the principal से आपने करना है, to the principal से नहीं करना। the principal इसमें जो capital हमने लेटर स्टार्ट में राइट करने हैं उनको मैंने रेड कलर से राइट कर दिया है। द प्रिंसिपल में द का टी कैपिटल और प्रिंसिपल का पी कैपिटल और उसके बाद कॉमा लाजमी आपने लगाना है। आगे हमने स्कूल का नेम मेंशन करना होता है, लेकिन चूंकि हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं इसलिए अपने स्कूल का नाम मेंशन नहीं करेंगे। गवर्नमेंट हाई स्कूल और उसके बाद कॉमा। उसके बाद यहाँ सिटी नेम हमने राइट करना होता है, तो सिटी का नेम भी बोर्ड की पॉलिसी के मुताबिक सिटी नेम मेंशन नहीं करना होता, तो इसलिए यहाँ पे भी हम सिटी की जगह पे ए फुल स्टॉप, बी फुल स्टॉप, सी फुल स्टॉप, तीनों लेटर्स कैपिटल लिखेंगे, तीनों के बाद ही फुल स्टॉप राइट करेंगे। गवर्नमेंट में जी कैपिटल, हाई का एच कैपिटल और स्कूल का एस भी कैपिटल स्टार्ट में राइट करेंगे। उसके बाद सर, सर का एस कैपिटल और सर के बाद जो है कॉमा यूज़ करेंगे। अब इसमें ये चारों जो हैं हमारे पास लाइंस में ऊपर से नीचे एक ही जगह से स्टार्ट होने चाहिए। द और गवर्नमेंट का जी और एबीसी का ई और सर का एस, ये तीन चारों जो हैं एक ही सीध में ऊपर से नीचे राइट करने हैं। आगे हम पैराग्राफ की सूरत में राइट करना होता है, तो याद रखिए जब भी पैराग्राफ स्टार्ट करना होता है तो जस्ट वन फिंगर स्पेस छोड़नी होती है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि रिस्पेक्टेड सर लिख लेते हैं और वो नंबर लफ्ज़ जो है दो लफ्ज़ बन जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और फिर भी सर के नीचे से स्टार्ट करते हैं एंड से, तो ये गलत है। जब भी आपने पैराग्राफ स्टार्ट करना हो तो उसको जस्ट वन फिंगर स्पेस देने के बाद जो है, या वन वर्ड जो है उसको स्पेस देने के बाद आपने स्टार्ट करना होता है, यानी कि वन वर्ड की स्पेस देकर स्टार्ट करना है हमेशा से। विद ड्यू रिगार्ड्स इट इज स्टेटेड दैट आई एम डाउन विद हाई फीवर। मुद्दमाना गुजारिश है कि मैं बहुत ज़्यादा बुखार में मुबतला हूँ। सो आई एम अनएबल टू अटेंड स्कूल, इसलिए मैं स्कूल आने के काबिल नहीं। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, मेहरबानी करके 3 दिन की रुख्सत अनायत की जाए। दैट इज़ मई 6, 2020 टू मई 8, 2020, 6 मई से 8 मई तक। आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। मैं आपका बहुत ज़्यादा इस काम के लिए ममनून रहूँगा। योर्स ओबीडियंटली, योर्स में वाई सिर्फ कैपिटल लिखना है, ओबीडियंट की जो है उसमें ओ कैपिटल नहीं राइट करना। ओबीडियंट के लिए एंड में जब आप ओबीडियंटली लिखते हैं उसके लास्ट में भी कॉमा लाजमी देना होता है। दूसरा ये याद रखना है कि आई शैल बी वेल वेरी ग्रेटफुल वाली लाइन हमेशा नेक्स्ट लाइन से ही स्टार्ट करनी होती है। विद ड्यू रिगार्ड्स और आई शैल, ये दोनों एक ही सीध में नीचे आने चाहिए। और योर्स जो है, जो पीछे हमने द गवर्नमेंट, द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट और एबीसी और सर वाली लाइन जो है बिल्कुल उसकी सीध में योर्स ओबीडियंट वाला लफ्ज आना चाहिए। उसके बाद नेम मेंशन नहीं करना होता, इसलिए नेम की जगह पे कैपिटल एक्स डॉट वाई डॉट जी डॉट लिखेंगे। और उसके बाद अपना रोल नंबर जो होता है, अगर आप क्लास का रोल नंबर लिख सकते हैं, बाद में बोर्ड का रोल नंबर लिखना होता है। उसके बाद डेट हमेशा लास्ट में मेंशन करनी होती है, डेट मई 6, 2020 जैसे है। नेक्स्ट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। ज़रूरी काम के लिए प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त राइट करनी है। द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल ए बी सी
सर ये पिछली एप्लीकेशन भी बताया जा चुका है कैसे राइट करना है। विद ड्यू रिगार्ड्स इट इज स्टेटेड दैट आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क टू डू एट होम सो आई एम अनएबल टू अटेंड स्कूल टूडे। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे दैट इज May 6, 2020। आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। योर्स ओबीडियंटली XYZ रोल नंबर डेट May 6, 2020। बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली एप्लीकेशन है बेटा वैसे ही आपने राइट करनी है इस एप्लीकेशन को। हाँ आप अपनी वर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं दूसरी कोई भी एप्लीकेशन जो इस तरह की हो। थर्ड एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर लीव टू अटेंड अ मैरिज। शादी में शिरकत के लिए दरख्वास्त प्रिंसिपल के नाम लिखनी है। द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल द प्रिंसिपल के बाद कॉमा गवर्नमेंट हाई स्कूल के बाद कॉमा ए डॉट बी डॉट सी तीनों के बाद फुल स्टॉप सर सर के बाद कॉमा। विद ड्यू रिगार्ड्स इट इज स्टेटेड दैट बहुत बाना गुजारिश है आई हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ माई अंकल एट मुल्तान। मुझे अपने चचा की शादी में मुल्तान शिरकत करनी है। वी आर टू लीव फॉर मुल्तान टुमारो। हम मुल्तान के लिए कल रवाना हो रहे हैं। काइंडली ग्रांट मी लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 5 days फ्रॉम May 7, 2020 टू May 11, 2020। मुझे मेहरबानी करके 5 दिन की रुख्सत अनायत की जाए 7 मई से लेकर 11 मई तक। आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। मैं इस काम के लिए आपका बहुत ज़्यादा ममनून रहूँगा। योर्स ओबीडियंटली योर्स में वाई कैपिटल राइट करना है ओबीडियंटली में ओ स्मॉल लिखना है और लास्ट में कॉमा लाजमी देना है। XYZ रोल नंबर उसके बाद डेट May 6, 2020। बेटा अपना कोई भी रोल नंबर जो क्लास का वो यहाँ पे राइट कर सकते हैं लेकिन स्कूल नेम मेंशन नहीं करना और अपना नेम मेंशन नहीं करना और उसके बाद जो है सिटी नेम मेंशन नहीं करना होता। लेकिन जब याद रखिएगा एक और बात कि जब आप स्कूल में एप्लीकेशन लिखते हैं आपने कोई शादी की शिरकत करनी है या कोई भी ज़रूरी काम या बीमारी की दरख्वास्त जब लिखनी है तो उसमें आपने स्कूल का नेम लाजमी अपने ही स्कूल का मेंशन करना होता है और लास्ट में अपना नेम भी लाजमी लिखना होता है लेकिन और डेट भी वही जिसमें आपने छुट्टी करनी होती है। ये ख़ास ख्याल रखा कि कुछ बच्चे जो हैं वो बोर्ड के लिहाज से गवर्नमेंट हाई स्कूल ही लिख देते हैं जब रूटीन की जब एप्लीकेशन लिखना होती है तो ऐसा ना किया करें। जब बोर्ड के लिए तो ये प्रैक्टिस ज़रूरी है लेकिन जब स्कूल में आपने छुट्टी करनी है तो फिर एप्लीकेशन में अपना नेम और स्कूल नेम भी और सिटी नेम भी ये मेंशन करना होता है। तो आज की बेटा डायरी जो है वो जो 3 एप्लीकेशंस हमने आज की हैं इनको आपने लर्न भी करना है और नोटबुक के ऊपर इसी पैटर्न के मुताबिक राइट भी करना है। ओके अल्लाह हाफिज़।